रोमन रेंस बनेंगे रेसलमेनिया के बाद ब्रांड न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। डब्ल्यूडब्ल्यूई निकालेगी अपने रेसलर्स को। रॉकी व्यूअरशिप ने बनाया रिकॉर्ड और अंडरटेकर ने मांगी Y2J से माफी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG तो आज की वीडियो काफी तगड़ी होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम 5 से 6 बड़े टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जो कि काफी धांसू है। तो गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक ऐसी न्यूज के साथ जो कि हमसे जुड़ी हुई है, भारतीयों से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, सोनी नेटवर्क ने WWE के साथ अपनी डील एक्सपेंड कर दी है। और गाइज, इस नई डील की बात करूं तो आप काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे जानकर। सबसे पहले एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं, तो 5 साल के लिए आगे एक्सपेंड कर दिया गया है डील को। साथ ही साथ इसमें एक और चीज आज जोड़ी गई है। दरअसल गाइज, WWE वालों ने बताया कि सोनी नेटवर्क यानी कि जो सोनी 10-1 नेटवर्क है, उनके साथ जो हमें डील की है, इसके अंदर हम उन्हें अपना कंटेंट भी देने वाले हैं जो कि WWE नेटवर्क पर आता है। यानी कि आप मानकर चल सकते हैं, जिस दिन सोनी 10 वालों के पास कुछ भी नहीं होगा, उस दिन दोस्तों हमें ओल्ड मैचेस वो दिखाएंगे और काफी ज्यादा मजा आएगा। अब गाइस, जो एक्सपेंशन हो चुका है, इससे साफ हो चुका है कि अगले 5 साल तक यानी साल 2025 तक हमें वही चैनल देखना है जो कि हम देखते आ रहे हैं। तो काफी बढ़िया न्यूज है। पर गाइस, अब हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो गाइस, इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है रेटेड आर सुपरस्टार यानी कि एज से। तो एज ने दोस्तों अपने फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस किया है, बात की है कि रेसलमेनिया के बाद वो क्या करने वाले हैं। तो आप जानते हैं, एज का रेसलमेनिया के अंदर जो मैच है वो है खिलाफ रैंडी ऑर्टन के, जो कि अपने आप में काफी तगड़े रेसलर है। लेकिन गाइस, जब वो रैंडी को हरा देंगे या फिर रैंडी को जब वो फेस करेंगे तो उसके बाद क्या होगा? तो गाइस, ESPN से हुई बातचीत में एज बोले कि देखो, मैं पहले जैसा यंग नहीं रह गया हूं, मैं घिसाई नहीं कर सकता खुद की, यानी कि मैं हर रॉ, स्मैकडाउन या फिर कह लीजिए किसी भी वीकली शो का मैं पार्ट नहीं हो सकता हूं, और ऐसे में मैं पहले जैसा वक्त तो नहीं कर सकता। लेकिन एज ने आगे जो चीज कही उससे साफ होता है कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। एज ये चीज बोले कि वो लोगों को टीच करना चाहते हैं कि कैसे रेसल किया जाता है, और रेसलर्स को टीच ऐसे ही किया जा सकता है कि उनसे फाइट की जाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले जो रिपोर्ट्स आई थी कि एज जो है वो पार्ट टाइमर बनकर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने काफी कम डेट्स के लिए WWE को साइन किया है, या फिर कह लीजिए जो उनकी डील है, जितने भी सालों की डील है उसमें डेट्स बेहद कम है। तो गाइस, कंफर्म कर दिया एज ने, एज दोस्तों आपको रेसल करते हुए तो नजर आएंगे लेकिन उनके मैचेस बेहद कम रहेंगे। तो गाइस, यहां एज आपको रेसल करते हुए ही नजर आएंगे, लेकिन गाइस वो बड़े बड़े इवेंट्स जैसे कि समर स्लैम, सर्वाइवर सीरीज, TLC, रेसलमेनिया, रॉयल रंबल जैसे PPV पर ही दिखेंगे। बट गाइस, अब हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो गाइस, इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप से। तो भाई, आज मंडे नाइट रॉ ने रिकॉर्ड तोड़ ही दिया, जिसका दोस्तों मुझे अंदेशा था वही हुआ। रॉ ने दोस्तों इस साल की सबसे लोएस्ट व्यूअरशिप ले ली है। यहां दोस्तों रॉ की बात की जाए तो लास्ट वीक रॉ की व्यूअरशिप लोएस्ट मापी गई थी, जो कि थी 2 मिलियन, लेकिन अब वो घटकर रह चुकी है 1.9 मिलियन, यानी कि 2 मिलियन के आंकड़े को भी नहीं छू पाई है WWE इस बार। और कहना पड़ेगा कि WWE वालों ने खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि मंडे नाइट रॉ से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की, क्योंकि रेसलमेनिया से पहले आखिरी रॉ होनी थी। WWE वालों ने प्रोमोज ही कटवाए बड़े रेसलर से, हालांकि थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिल जाता तो सही रहता। इस पर आपका क्या ओपिनियन है, वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर बताइएगा। लेकिन अब हम चलते हैं इससे अगली स्टोरी के ऊपर। तो गाइस, इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है द फिनोम अंडरटेकर से, जिन्होंने मांग ली है Y2J क्रिस जेरिको से सॉरी। अब ये अपने आप में काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है, भला Y2J से क्यों माफी मांगेंगे फिनोम द लेजेंड अंडरटेकर। तो गाइस, हुआ क्या, आपको डिटेल में बताता हूं। तो कल मंडे नाइट रॉ में आपने अंडरटेकर का धांसू वाला प्रोमो तो देखा ही होगा, जिसमें वो AJ स्टाइल्स को रोस्ट किए थे। उसके अंदर दोस्तों अंडरटेकर ने ये चीज कही थी कि तुम एस क्लाउन हो। आप जानते हैं, एस क्लाउन जो शब्द है वो काफी सिंपल वर्ड नहीं है, वो किसी ने बनाया ही होगा ऑब्वियसली। और दोस्तों ये वर्ड बनाया है Y2J क्रिस जेरिको ने, एक तरीके से उनका ये कैच फ्रेज है। और एक फैन को जब ये चीज पता चली तो उस फैन ने
ट्वीट कर दिया दोनों को टैग करते हुए, यानी कि अंडरटेकर को भी टैग किया और क्रिस जेरिको को भी टैग किया कि देखो क्रिस जेरिको, अंडरटेकर ने तुम्हारा कैच फ्रेज यूज किया है। अब शायद क्रिस जेरिको एक तरीके का लॉ सूट डाल देंगे अंडरटेकर के ऊपर, केस कर देंगे अंडरटेकर के ऊपर, जिस पर क्रिस जेरिको का रिएक्शन आ गया। क्रिस जेरिको बोले कि देखो वो अंडरटेकर है, वो फिनोम है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, वो मेरा कोई भी कैच फ्रेज यूज कर सकते हैं। ये चीज़ दोस्तों जब अंडरटेकर ने देखी तो उन्हें शर्म आ गई, वो ये चीज़ बोले कि माय बैड, और मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारा कैच फ्रेज है, हालांकि मुझे लग रहा था कि मैंने पहले कहीं सुन रखा है। तो यहाँ दोस्तों अंडरटेकर ने Y2J से माफ़ी मांग ली है, और सिंपल सी बात है दोस्तों, ये जो माफ़ी वाला सिनारियो है हमें ये चीज़ बताता है कि कंपनी चाहे जितनी भी अलग क्यों ना हो जाए, जो रिलेशंस होते हैं दोस्तों रेसलर्स के बीच में वो कभी भी अलग नहीं होते। Y2J WWE के अंदर अंडरटेकर के काफ़ी अच्छे मित्र थे और अभी भी काफ़ी अच्छे मित्र है। बट गाइस अब हम चलते हैं से नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो गाइस इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई दोस्तों WWE के एम्प्लॉय से, WWE के उन रेसलर से जिन्हें WWE जल्द निकालने वाला है। तो काफ़ी बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है और दोस्तों अपने आप में काफ़ी ह्यूज भी है, क्योंकि आप जानते हैं WWE एक ऐसी कंपनी है जिसे पैसे की कभी भी कमी नहीं होती है। और रेसलर्स की बात की जाए तो अंधाधुंध रेसलर्स है WWE के अंदर। NXT को हटा दिया जाए तब भी दोस्तों मंडे नाइट रॉ में इतने जॉबर रहते हैं जितने की किसी दूसरी कंपनी का रोस्टर। तो गाइस पहली बार ऐसा हुआ है कि WWE वालों को शायद अब लोअर मिड कार्डर्स और जो जॉबर्स है उन्हें निकालना पड़ जाए। तो गाइस ब्रांड न्यू रिपोर्ट्स जो सामने आई है उनमें बताया जा रहा है कि जो है फाइनेंशियल तिमाही रहेगी WWE की, जिसमें बहुत बड़ा नुकसान WWE को झेलना पड़ चुका है। रीजन क्या है? रीजन दोस्तों कोरोना वायरस, COVID-19 के चलते दोस्तों WrestleMania 36 कैंसिल हो चुकी है, 2-3 अरब का नुकसान हो चुका है, और इसकी भरपाई WWE कैसे करेगा भला? WWE इस तरीके से करेगा कि जो रेसलर्स ज़्यादा यूज नहीं हो रहे हैं उन्हें बाहर निकाल देगा कंपनी से, और इससे दोस्तों उन रेसलर्स की जीवनी पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं AEW वालों को भी नुकसान हुआ है। अब AEW वाले भी उन रेसलर्स को साइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर कोई बड़ा रेसलर आपकी कंपनी में आ रहा है जिसने नाम अच्छा खासा कमाया है तो वो ज़्यादा पैसे लेगा, तो AEW वाले भी उसे नहीं लेंगे और उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो लोअर मिड कार्डर्स के जो रेसलर्स हैं उन पर खतरा आन पड़ा है, और विंस मैकमैन ने फैसला ले लिया है कि अब वो इन्हें बाहर करने वाले हैं। तो दोस्तों COVID-19 के चलते रेसलर्स के जीवन पर भी काफी बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन अब हम चलते हैं आज की अपनी मेन न्यूज के ऊपर। तो गाइस मेन न्यूज पर जाने से पहले मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन चीज है, नाम है वन एक्सपैट। एक तरीके की बैडी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप कई खेलों के साथ सट्टा लगा सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। करना बस ये कि पिंड में सबसे ऊपर आपको एक कमेंट दिखाई देगा, उसके लिंक पर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। पहली बार अगर आप रजिस्टर करें और यूज करें हमारा प्रोमो कोड यानी कि हिंदी गॉसिप्स, तो आपको डिपॉजिट के वक्त मिलते हैं 100 USD, जो कि आप इस थिंग के अंदर आसानी से यूज कर सकते हैं। विड्रॉल का तरीका भी काफी ज्यादा आसान है, तो अभी के अभी जाइए, लिंक इन द पिंड। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है बिग डॉग रोमन रेंस से। तो गाइस रोमन रेंस पर जो एक खबर निकल कर सामने आई है, इसने दोस्तों दिल बाग बाग कर दिया है। डे मेल्जर की माने तो रोमन रेंस WrestleMania के बाद बनेंगे ब्रांड न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। तो गाइस बीते कल डे मेल्जर ने बात की बिल गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि रोमन रेंस ने ये चीज कह दी है कि WrestleMania का पार्ट नहीं होने वाले, और जो प्री टेप्ड वर्जन है दोस्तों WrestleMania का, उसके अंदर आपको ब्रॉन वर्सेस गोल्डबर्ग देखने को मिलने वाला है। डे मेल्जर बोले कि ब्रॉन स्ट्रोमैन के जीतने के चांसेस बेहद कम है, वहां ज्यादातर चांसेस यही रहेंगे कि बिल गोल्डबर्ग टाइटल रिटेन कर दिए हैं। और यहां दोस्तों बताया गया है कि इसीलिए ये सब हुआ है ताकि बाद में जाकर बिल गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंस कराया जाए, क्योंकि रोमन वर्सेस गोल्डबर्ग एक ड्रीम मैच है, ना कि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन। तो ऐसे में दोस्तों रोमन रेंस जो है वो आपको WrestleMania के बाद फिर से चैंप बनते हुए नजर आ सकते हैं। दरअसल डे मेल्जर ने दोस्तों अंतिम क्षणों में ये चीज कही कि देखो रोमन रेंस जो है उसे चैंप बनाना है, यही रियल प्लान है WWE वालों का, अब चाहे मौका कोई भी क्यों ना हो। यहां दोस्तों बताया गया है कि रोमन रेंस तब तक घर पर ही बैठेंगे
जब तक एक COVID-19 की सिचुएशन हल नहीं हो जाती, तो आप जानते हैं कि COVID-19 की जो ये सिचुएशन है ये कब तक रहने वाली है। मेरे अनुसार दोस्तों अप्रैल मई जून तक ये रह सकती है, और उसके बाद लाइफ वैसी आएगी ट्रैक के ऊपर जैसे कि पहले थी। यहाँ दोस्तों आप जानते हैं कि मई जून जुलाई में कोई बड़ा PPV तो आता नहीं है WWE का, अगस्त में आता है जो कि है दोस्तों समर स्लैम, और समर स्लैम के अंदर दोस्तों रोमन रेंस इससे पहले भी चैंप बन चुके हैं जब ब्रॉक को हराए थे। इस बार दोस्तों टाइम खुद को रिपीट कर सकता है और हमें देखने को मिल सकता है बिग डॉग रोमन रेंस वर्सेस बिल गोल्डबर्ग फॉर यूनिवर्सल चैंपियन, और फाइनली दोस्तों रोमन रेंस वहां चैंप बनकर अपने उस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं जो कि बीते 1.5 साल से वो देख रहे हैं। तो गाइस रोमन रेंस पर एक तगड़े वाला अपडेट आ चुका है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब बखैर।